अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग और क्या हाल चाल है सबका। आज हम बड़े इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो है अनापरस्ती, अनापरस्त होना। अनापरस्त होना बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। अपने ही एक हॉल में रहना, अपने इर्द गिर्द जो है वो एक दीवार कायम कर लेना और समझना कि सबसे बेहतर मैं ही हूँ, तो इसको अनापरस्ती कहते हैं। अनापरस्त होने की और भी कुछ निशानियाँ हैं तो वो मैं आपको आज बताऊँगी और हम थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे कि अनापरस्ती आपको नुकसान कैसे पहुंचाती है। पहले तो ये पता कर लेते हैं कि आप अनापरस्त बनते कैसे हैं। तो चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अनापरस्त होने की क्या निशानियां हैं। व्यूवर्स, अगर आप में ये पाई जाती हैं तो काइंडली आप मुझे कमेंट करके बताएं कि क्या आप अनापरस्त हैं या नहीं हैं। आज हम चेक करेंगे कि कौन से लोग अनापरस्त हैं और कौन से नहीं हैं। अनापरस्त लोग वो होते हैं जो समझते हैं कि जो बात मैंने कह दी है बस वही ठीक है और बाकी लोग जो है वो सब गलत बात कह रहे हैं। अनापरस्त लोग हमेशा बातों को टालने की कोशिश करते हैं कि बस ठीक है, मुझे समझ आ गई है, मुझे पता चल गया है, हाँ हाँ मैं भी जानती हूँ या मैं जानता हूँ। अनापरस्त लोग हमेशा अपने इर्द गिर्द एक दीवार कायम करके रखते हैं और वो उसी हॉल में रहते हैं। समझते हैं कि दूसरे आएंगे और उस हॉल को खटकाएंगे और उनको इम्पोर्टेंस देते हुए, उनकी तारीफ करते हुए उनकी बात को मानेंगे। अपनी तारीफ खुद भी वो बहुत ज़्यादा करते हैं जो अनापरस्त होते हैं। अनापरस्त हमेशा लड़ाई के बारे में बात करते हैं। अनापरस्त लोग हमेशा खुशियों से हटकर अपनी तारीफ़ के बारे में बात करते हैं। हमेशा वो इस बारे में बात करते हैं कि जहाँ भी कोई चार लोग बात कर रहे हों तो वो उनके बारे में बात कर रहे हों और उन्हीं की तारीफ़ कर रहे हों, उनकी बड़ाई बयान कर रहे हों। अनापरस्त शख्स हमेशा अपनी ही बात को ठीक कहता है और अपनी बात मनवाने की बात करता है कि सामने वाला हमेशा आर्ग्यू किए बगैर उसकी बात मान जाए। अनापरस्त इंसान की बात करने का अंदाज़ ऐसा होता है जैसे वो कोई लड़ाका सा बंदा है और वो लड़ाई करना चाहता है। अनापरस्त इंसान हमेशा जल्दी से गुस्से में आ जाता है। अनापरस्त इंसान हमेशा यही चाहता है कि जब मैंने कोई बात कर दी है तो वो आखिरी हरफ़े आखिर बन जाए, आखिरी फिक्रा हो। हमेशा अनापरस्त इंसान जो है वो गुस्से में रहने की वजह से अपना जो ब्लड प्रेशर है वो हाई रखता है और वो समझता है कि मैं इस तरह लोगों पर रोब कायम कर रहा हूँ। अनापरस्त हम क्यों हो जाते हैं, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जब बच्चे छोटे होते हैं और उनके ऊपर बिला वजह जो है वो रोक टोक की जाती है, उनको डांटा जाता है, तो वो अनापरस्त हो जाते हैं। जब बच्चों को ये कहा जाता है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, आप हमेशा बहुत अच्छे हैं, तो वो अपने आप को कोई चीज़ समझना शुरू कर देते हैं। हमेशा बिला वजह की तारीफ़ भी उनको अनापरस्त बना देती है। अनापरस्त इंसान वो भी बन जाता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा खामियाँ होती हैं और वो अपनी उन खामियों को पॉजिटिविटी में बदलने की बजाय अनापरस्ती का रास्ता इख्तियार कर लेता है। अनापरस्त इंसान हमेशा अपने आप को सीधी तरफ लेके जाने की बजाय गुस्से से उस चीज़ को टैकल करने की कोशिश करता है और फिर वो उसका एक आंसर जो है वो उसकी ज़ात का आदि हो जाता है। अनापरस्त इंसान हमेशा यही सोचता रहता है कि कोई शख्स आएगा और उसकी तारीफ़ करना शुरू कर देगा, उसकी पहने हुए लिबास, उसकी की हुई बात, उसका पहनावा, उसका उसकी बोलचाल, उसका सब कुछ जो है वो उसकी बॉडी लैंग्वेज सबको सब अच्छी लगेगी। अनापरस्ती जो है वो एक बहुत बुरी चीज़ है। अनापरस्त होना बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। आपके लोग दोस्त ख़त्म हो जाते हैं, लोग आपसे मिलना जुलना छोड़ देते हैं, लोग आपसे बातचीत नहीं करते, लोग आपसे मशवरा लेना छोड़ देते हैं, लोग आपसे कतराते हैं, लोग आपकी कंपनी में नहीं बैठना चाहते। लोग समझते हैं कि अब ये जो है वो किसी भी बात पर अचानक गुस्सा हो जाएगा। आप अपने रिश्तेदारों से दूर हो जाते हैं, अपने ब्लड रिलेशन से दूर हो जाते हैं, आप अपने सिबलिंग्स बहन भाइयों से दूर हो जाते हैं। अगर अज़दवाजी ज़िंदगी में कोई एक शख्स आपका अनापरस्त है सामने वाला, तो या वो वाइफ है या वो हस्बैंड है, वो अनापरस्त है तो वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेता है। और माहिरीन के मुताबिक बहुत ज़्यादा जो डाइवोर्स के केसेस हैं वो दो कपल के मिल जाने में अगर कोई एक शख्स अनापरस्त है तो उसकी वजह से है। जितने भी नुकसान हैं दो लोगों के दरमियान, जो भी शख्सियत का क्लैश है वो सारा जो है वो अनापरस्ती की वजह से है। तो आपको चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी में से, अपनी ज़ात में से अनापरस्त लोगों को भी दूर कर दें, खुद अपने अंदर से भी अनापरस्ती को ख़त्म करने की कोशिश करें, लोगों से मेल जोल बढ़ाएं, खुश रहने की कोशिश करें, लोगों के दिलों में घर करने की कोशिश करें, इखलाक को बढ़ाएं, लोगों की बात को समझने की कोशिश करें, समझाने की कोशिश करें, प्यार से बात करें, गुस्से से दूर रहें, इर्द गिर्द का माहौल ऐसा रखें कि लोग आपकी कंपनी में बैठना पसंद करें, लोग आपसे बातें शेयर करें, लोग अपने मसाइल आपसे डिस्कस करें। गुड लिसनर बने, अनापरस्त मत बने कि मैंने जो कह दिया बस वही हो जाए, मैं जहां हूं बस मेरी बात की जाए, मैंने जहां बैठना है मैंने लोगों पर रोब झाड़ना है, लोग मुझसे कमतर हैं, सब कुछ मेरे ही पास है। ये एक तरह का जो है वो ऐसा नेगेटिव आंसर है जो आज हमारी सोसाइटी को बिल्कुल तबाह किए हुए है।
और ऐसे तमाम लोगों से जो है वो बाइकॉट करना चाहिए, उनकी तरबियत में आपको भी साथ देना चाहिए। वो चाहे अपनी ख़ुद तरबियत करें और चाहे आप उनकी तरबियत में उनका साथ दें, ये बहुत ज़रूरी है। जो लोग अनापरस्त नहीं हैं, बेस्ट ऑफ लक फॉर देम कि वो ठीक जी रहे हैं और इंशाल्लाह सक्सेस उनकी मुंतज़िर है। यहीं पर अपनी बात को जो है वो एग्जांपल में समझाने की कोशिश यूं करूंगी कि इब्लीस भी जो है वो अल्लाह ताला का सबसे फेवरेट फरिश्ता था और सिर्फ अनापरस्ती उसको इब्लीस अच्छे फरिश्ते से शैतान बना गई। व्यूअर्स, आज ही तहिया करें कि अनापरस्ती अपने अंदर से आप ख़त्म कर देंगे। ये कोई आदत नहीं है, ये एक नेचर है जो चेंज की जा सकती है, तब्दीली लाई जा सकती है और तब्दीली सवाब का काम है। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। थैंक यू सो मच व्यूवर्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।